नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और मैं हूं गार्गी। आइए देखते हैं देश दुनिया की टॉप 25 खबरें। शिवसेना पर दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 जजों की संविधान की पीठ के समक्ष भेजा है। कोर्ट ने कहा है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हटाने का नोटिस लंबित होने के दौरान क्या वो विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी कर सकते हैं, इस सुनवाई की जरूरत है। इसीलिए इस मुद्दे पर संविधान पीठ को सुनवाई करने की जरूरत है। अब 25 अगस्त को सुनवाई होनी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में पार्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है। आप पार्टी के नेता और मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया जी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। आप पार्टी के आरोपों पर बीजेपी का बयान आया है जिससे कहा गया है कि आप कार्यकर्ताओं ने ही फोन किया था। बीजेपी नेता परवेश वर्मा ने कहा सिसोदिया पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट का गोवा में बीती रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 42 वर्ष की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने कुछ कर्मचारियों के साथ गोवा गई थी। सोनाली फोगाट ने बीजेपी उम्मीदवार के रूप में हरियाणा के आदमपुर से 2019 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने तत्कालीन कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को हराया था। ये बिग बॉस 14 में भी नजर आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर अब नशे का कारोबार करने वाले आ गए हैं। अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वालों, दंगइयों और ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करने वाली सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक्शन में उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि योग को लोकप्रिय बनाने के लिए हम उनकी इज्जत करते हैं पर उन्हें इलाज के दूसरे तरीकों पर यूं सवाल नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। IMA ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि देश में टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिल्किस बानो मामले में दोषियों को रिहा करने में गुजरात सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका के सभी दोषियों की सजा पर फिर से विचार करने की गुहार लगाई गई है। गुजरात दंगों में उनके साथ गैंगरेप हुआ था। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा महिला के रेप और परिवार की हत्या जैसे जघन्य अपराध के दोषियों की सजा खत्म करना गलत है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं का वायदा करने वाली राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में कल फिर से सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि सवाल ये है कि अदालत के पास आदेश जारी करने की शक्ति है, लेकिन कल को किसी योजना के कल्याणकारी होने पर अदालत में कोई आता है तो क्या ये सही होगा। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह फिर से विवादों में है। हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स और शाहीन यथगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर ये आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। कांग्रेस 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जयराम रमेश ने आज औपचारिक तौर पर इस यात्रा का ऐलान करते हुए कहा कि यात्रा का मकसद देश में बनाए गए नफरत का माहौल, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का हनन, महंगाई के बढ़ते आदि को लेकर है। कांग्रेस की ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आरंभ होगी जो कि 35,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कश्मीर में समाप्त होगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर के बाद अब हलाल मीट को लेकर आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। MNS नेता यशवंत किलेदार ने एक पत्र जारी करके कहा है कि देश की सबसे बड़ी टेरर फंडिंग और विश्व स्तर पर 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी हलाल के विरोध में अब लड़ने की जरूरत है, जिसके चलते झटका मांस और उसे बेचने वाले खटीक और बाल्मीकि समाज लुप्त हो रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से संक्रमित 8,586 नए मरीज मिले हैं। इस बीच पिछले 24 घंटों में 9,680 मरीज कोरोना वायरस से उभर चुके हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 1,00,000 से कम हो गई है। देश में मौजूदा समय में कोरोना वायरस के 96,506 सक्रिय मरीज हैं। बॉलीवुड एक्टर शेखर सुमन एक बार फिर पर्दे पर धमाके के लिए तैयार हैं। वेब सीरीज AK-47 में शेखर सुमन एक शानदार अवतार में दिखाई देंगे। इस वेब सीरीज में रवि किशन और राधिका आप्टे जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। वैसे
शेखर सुमन इसमें एक बिहारी पॉलिटिशियन के रोल में आएंगे। रिया कपूर अपनी बहन सोनम कपूर के बेटे से पहली बार मिलकर इमोशनल हो गई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस मुलाकात की कुछ फोटोज शेयर की जिसमें सोनम कपूर के बेटे की झलक दिखाई दे रही है। रिया ने इन फोटोज में इमोजी लगा दिए और बच्चे का चेहरा छुपा दिया है। द कपिल शर्मा शो इस बार एक नए अंदाज में फैंस को एंटरटेन करने के लिए तैयार है, मगर फैंस के लिए एक बुरी खबर है। इस शो का मेन किरदार कृष्ण अभिषेक नए सीजन में नजर नहीं आने वाले हैं। ई टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फीस थी। मेकर्स और कृष्णा ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने की काफी कोशिश की, पर मतभेद की वजह से कृष्णा को द कपिल शर्मा शो छोड़ना पड़ा। बॉलीवुड को राजनीतिक सामाजिक मुद्दों से जुड़ी सुपरहिट फिल्में देने वाले अपनी उम्दा और वास्तविक कहानियों से लोगों को बड़े पर्दे पर समाज का आईना दिखाने वाले बेहतरीन निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा अब एक्टिंग में फुल स्वैग के साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म मट्टू की साइकिल से, जिसमें प्रकाश झा एक ऐसे मजदूर का किरदार कर रहे हैं जिसके लिए साइकिल ही उसकी दुनिया है। इसी हफ्ते एशिया कप 2022 शुरू होने वाला है और टूर्नामेंट से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ये तब हुआ है जब आज ही भारतीय टीम को UAE के लिए रवाना होना है। एशिया कप का आगाज 27 अगस्त से होगा, जबकि टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम एम्स्टर्डम से सीधे दुबई पहुंच गई है, जबकि टीम इंडिया भी रवाना हो चुकी है। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वो दुबई पहुंचे। टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला गया जो काफी रोमांचक रहा है। इसमें भारतीय टीम ने आखिरी ओवर में 13 रनों से जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही तीन वनडे मैचों की सीरीज में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को उसी के घर में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। गब्बर नाम से पहचाने जाने वाले धवन की फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड में है। जिम्बाब्वे में भी उनका एक जबरा फैन है। इस फैन ने चलते मैच में ही शिखर धवन से उनकी शर्ट मांग ली। दरअसल भारतीय पारी के दौरान 27वें ओवर में आउट होकर डग आउट में बैठे हुए थे और इसी समय एक फैन ने कैमरे में दिखाया, जिसने हाथ में लिए कार्ड पर लिखा था, शिखर धवन क्या मैं आपकी शर्ट ले सकता हूँ। इसके बाद वो बैठे बैठे ही अपनी शर्ट उतारने की कोशिश करने लगे और इस पर पास में बैठे ऋतुराज गायकवाड़ और आवेश खान भी जमकर हंसने लगे। हालांकि धवन ने टी शर्ट उतारी नहीं और वापस पहन ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने नए फैसले में 3-सदस्यीय समिति को भंग करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने AIFF के चुनाव को भी एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है ताकि मतदाता लिस्ट में बदलाव किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अब AIFF पर लगाए गए बैन के हटने की उम्मीद जाग चुकी है। पूर्व PM इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने PM शहबाज शरीफ की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई अनुचित कार्रवाई की गई तो उसके गंभीर नतीजे होंगे। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान पर आरोप है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद के एक रैली में उन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और पाकिस्तान की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची। यही नहीं, इस्लामाबाद के IG समेत पुलिस के कई अफसरों को धमकाने का भी आरोप है। डोनाल्ड ट्रंप के पद पर रहते हुए एकत्र किए गए सरकारी दस्तावेजों को वापस करने से इनकार करने के कदम ने संभावित रूप से एक ऐसी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके कुछ सहयोगियों के फंसने की आशंका है। ईरान के साथ राजनयिक संबंधों को खत्म करने के 6.5 साल से ज्यादा समय के बाद UAE ने अब उससे फिर से अपने संबंध बहाल करने की घोषणा की है। UAE ने कहा है कि ईरान में उसके राजदूत सैफ मोहम्मद अल जावी आने वाले दिनों में तेहरान जाएंगे। सऊदी अरब के नए के मिशनों पर प्रदर्शनकारियों के धावा बोलने के कारण 2016 में दोनों के राजनयिक संबंधों को खत्म कर दिया था। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने सोमवार को कहा कि उसके अधिकारियों ने एक आत्मघाती हमलावर को पकड़ा है जो आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट का सदस्य है। ISIS के ये आत्मघाती हमलावर भारत के बड़े नेताओं के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था। टॉप 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।